नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज जनपद। सिद्धार्थ नगर में पावर हाउस बिलवा के अंतर्गत चारों फीडर पर 10,000 से अधिक बकायेदारों के बिजली विभाग ने काटे बिजली कनेक्शन। जनपद सिद्धार्थ नगर में मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बिलवा पावर हाउस के अंतर्गत चारों तरफ बिजली बकायेदारों के घर बिजली विभाग की टीम पहुँच कर बड़े बकायेदारों को बिजली बिल जमा करने की चेतावनी दी और 10,000 से ऊपर के बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे गए। जय सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि कई दिन से अभियान चल रहा है, इस महीने के लास्ट तक चलेगा। आज मधवापुर कला में हमारी पूरी टीम द्वारा जांच किया गया, जिसमें कुछ लोगों को हिदायत दी गई कि अपना बिजली बकाया जमा करें और जिन लोगों का 10,000 से ऊपर बिजली बकाया है उन लोगों का कनेक्शन काटा गया। जल्द से जल्द बिजली बकाया बिल जमा करने का निर्देश दिया गया। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि इस कोरोना महामारी में एक तो ऐसे ही हम सभी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार द्वारा बिजली बकाया न दे पाने की दशा में कनेक्शन काटने का जो काम किया जा रहा है वो हम लोगों के लिए और मुसीबत खड़ी कर रहा है। इस सिलसिलाते गर्मी में एक पल भी लाइट के अभाव में रह पाना मुश्किल है, वही आर्थिक तंगी के कारण बिजली बिल भी जमा कर पाना समस्या है। पीसी सिद्धार्थ नगर से बचने की प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। सर, ये बताइए, जो मधवापुर में बिजली काटो या लाइट बिल जमा करना अभियान चलाया गया है, इसमें कितने लोगों का बिल जमा कराया गया और कितने लोगों का लाइट काटा गया? लगभग 5 से 7 लोग जमा किए हैं और लगभग 25 से 30 लोगों की लाइनें खुली आ रही है। सर, ये अभियान सर कब तक रहेगा? ये तो हर महीने हम लोगों का रहता है, इस महीने लास्ट तक हम लोगों का टारगेट ही देना है, इसलिए अभियान हमेशा हर महीने भी जारी रहता है और जारी रहेगा। सर, क्या अभी मधवापुर में कुछ लोग ऐसे भी बचे हैं कि जिनका बिजली भी बकाया बाकी है, ज्यादा नहीं जमा है? दूसरा डी है, अभी बहुत बाकी है जी, वो अगले टर्न में उनको देखा जाएगा। कब तक सर आप लोगों का प्रयास है कि लोगों का बिजली बकाया जमा करवा सकते हैं?